गाइस देखिए, आप सब देख सकते हो यहाँ पूरा ऐसे फिश पॉन्ड जैसे बन गया। उधर ऐसे बह बह के उधर भी पूरा फ्लैट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगी। दोपहर का खाना खाने का बाद नहा धोकर अभी बस ऐसे बैठी हूँ। आज मैं 3-4 दिन का बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरा फोन ऑफ हो गया था और चार्जर लाना भूल गया। 4 दिन ऐसे रहा तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। और देखिए, आप सब यहाँ देख सकते हो, थोड़ी देर पहले बहुत ही ज़ोर से बारिश दिया था तो ऐसे हो गया। घर में सब ऐसे पानी आ गया और देखिए फ्लोर में भी। और आज बहुत ऐसे मौसम अच्छा लग रहा है, ठंड जैसे फील हो रही है। दिखाती हूँ गाइस बाहर कितना पानी जमा हुआ है, देखिए। ये तो बारिश है। ज्यादा बारिश दिया ना, फिसल के गिर जाएंगे। गाइस अभी बारिश रुक गई, मतलब ऐसे अभी बस 1-2 बूंद ऐसी बारिश दे रही है। पेदी पीले देखने आ रही हूँ मैं, देखिए पानी ऐसे हो गया। देखिए आज बहुत जोर से बारिश दिया ना, इसीलिए पानी जमा हो गया पेदी पील में। अभी मैं देखने जाऊंगी फिश पॉन्ड। ये देखिए अभी ऐसे बारिश दे रही, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐसे ज्यादा हो गया। पानी का कलर चेंज हो गया फिश पॉन्ड का। और अभी ऐसे बारिश नहीं देने से फिश पॉन्ड में कितना मछली कितना बड़ा हुआ देखने के लिए। हम लोग ऐसे मछली पकड़ेंगी ऐसे हम लोग सोच रही थी। ऐसे हम लोग सोचने में बारिश आ गई तो अभी फिश पकड़ पाएंगी कि नहीं वो अभी नहीं पता, अभी पूछ कर आती हूँ घर में। अभी समर है ना, इसलिए ऐसा होता है कि शाम का 6 बजे से 10 ऐसे में अंधेरा होता है। लेकिन आज तो अभी ऐसे बारिश हुआ है ना, इसीलिए देखिए अभी 4:30 में ही ऐसे हो गया। और यहाँ मुर्गी सब खुश हो रही है, देखिए मुझे पीहू ढूंढ रही है, मम्मी कहाँ है ऐसे बोलिए। मैं उसको बिना बताए आया यहाँ, नहीं तो वो मुझे यहाँ आते हुए देखने से वो मेरे पीछे पीछे आएगी। वो दिनों के बाद ऐसे ज़ोर से बारिश जो है ना, इसीलिए वो तो बारिश है, बारिश का पानी वगैरह से खेलेंगी, ठंड लगने से बीमार वगैरह हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको लाया नहीं। तो मुझे वो ढूंढ रही है घर में, मम्मी कहाँ गई ऐसे बोल कर ढूंढ रही है। देखती हूँ वो क्या कर रही है। पिसल के गिर जाएंगी, देखो रंग बाबा दादी तो यहाँ है। मछली पकड़ेंगी कि नहीं पूछते ये बोल रहे। अभी बारिश हो रही है, अभी मछली नहीं पकड़ेंगी, नहीं पकड़ेंगी ना, नहीं पकड़ेंगी। ना अंदर घुसेंगी वहाँ फिश पॉन्ड में। पापा जी ठंड है, ठंड क्या कर रही हो? सब ये देखिए, ये फैला कर रखा है इसके खिलौने वगैरह को। गाइस देखिए, कल मैंने ब्लॉग बनाया था और कल ज़्यादा बारिश के वजह से मेरा कपड़े वगैरह गिल्ले हो गए, ठंड लगी, इसलिए कल ब्लॉग बना नहीं पाया। मैं अभी सुबह सुबह ब्लॉग बना रही हूँ। ये देखिए घर का चारों तरफ ऐसे पानी भर गया, ये देखिए फ्लैट हो गया, ये देखिए घर के ऐसे पास से पानी बह रही है, ये देखिए आंगन में पूरा पानी भर गया। বক্তা হইছে বক্তা ফেলে তো করিব নোৱাৰিব বলাং মা কথা ইফালে ৰাস্তা বনালে ওলাই যাব কয়, ইফালে ৰাস্তা বনালেতো নহ'ব, ইফালে হে ৰাস্তা বনাব লাগিব এনেকা কৰি কলা মামাই মামাই। ये देखिए बस मैं मुंह धोकर ऐसा आज ब्लॉग बना रही हूँ। और मेरे घर के पास में एक आंटी का घर है, वो दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हो गया यहाँ तो। गाइस देखिए, आप सब देख सकते हो यहाँ पूरा ऐसे फिश पॉन्ड जैसे बन गया और यहाँ बतख ठहर रही है। देखिए इस तरफ भी पानी हो गया और इधर ऐसे बह बह के उधर भी पूरा फ्लैट हो गया।
মাছ ধরব লাগিব। কালে সে রাত ভর বারিশ হওয়া এসিল দেখি এদের পানি জানি কে রাস্তা নেই হ্যাঁ তো এদের এসে ফ্লাড হয়ে যাতে দেখিয়ে বহুত হি বস গেল সে উধর জানি কে নেই বচা হ্যাঁ আঙ্গন মে তো পুরা পানি ভর গিয়া। মাই গড বেবি আর পাপা হ্যাঁ উধর দূর মে আপ সব দেখ সকতে হো ये दोनों भी ईशपोन और पेडीफिल में कितना पानी जमा हुआ देखने आया मुझसे हमसे पहले आ गया ये दोनों। मुँह वगैरह कुछ नहीं धोया बस उठ कर ऐसे इधर आया देखने के लिए। और आज हम लोग वापस जा रही है वहाँ तिनसुकिया। तो ये देखिए ये कैसे खेल रही है। ऐसा होता है कि जो जो फार्मर है पानी ऐसे देखने से तो खुश होंगी होंगी। मैं ही बहुत खुश हो गया जब मैं 4-5 दिन का पहले आया था तब तो बिल्कुल भी यहाँ पानी नहीं था एक बूंद भी। पूरा अभी ऐसे है कि धान वगैरह लगाने का अभी सीज़न है तो मैंने सोचा इस बार कैसे यहाँ मतलब खेती कर पाएंगी पानी वगैरह कुछ नहीं है। कल ज़्यादा बारिश हो के ना ऐसे पूरा पानी भर गया। आज तो सब खुश होंगी सुबह आकर सब ने ऐसे पेडीफील देख आकर देखा होगा और पानी ऐसे जमा होते हुए बहुत ही खुश होंगी सब। मम्मी भी कब से ऐसे बोल रही है इस साल धान लगा पाएंगी कि नहीं ऐसे मम्मी ऐसे सोच रही थी। फाइनली बारिश होकर पूरा यहाँ पानी जमा हो गया। ऊपर जो नाला है ना उससे इधर ऐसे पानी आ रही है। शरद अब्दुआ फिश पॉन्ड में भी थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया होगा ना बिना मुंह धोए यहाँ आया फिश पॉन्ड और पेडीफिल देखने के लिए। ये देखिए ये है नाला ऊपर तरफ से ये पानी आता है ये साइड का जो आप सब देख रहे हैं ना ये। और यहाँ से ये देखिए यहाँ पीसपन में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इधर पानी जाते रहते हैं इधर पानी आने से तो यहाँ भी थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया। भगवान का शुक्र है कि बारिश हो गई पीसपन में भी पानी भर गया और यहाँ पेडीपिल में भी ऐसे पानी जमा हो गया तो साफ खुश है। कोई कोई तो ऐसे खेत में जो हाल बोलते हैं ना वो भी लगाना शुरू कर दिया। अभी वापस घर आ गई अभी बेबी को दिखाती हूँ जो मेरे पड़ोसी है ना आंटी के घर में इतना पानी जमा हो गया तो बेबी नहीं देखा उसको दिखाती हूँ उसका रिएक्शन देखती हूँ। मैं आपको सरप्राइज दूंगी हाँ धीरे धीरे ऐसे नहीं पानी को ऐसे नहीं करते धीरे जाओ मैं आपको सरप्राइज देने आ रही हूँ। चलो पापा के लौंडे डाने सरप्राइज कहाँ से है ये पानी उधर से है इधर आओ इधर 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 देखो इधर भी बहुत है। नहीं 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 मत पकड़ो ये अभी गुस्से में है देखिए मैंने बोला इसको पानी में मत खेलो बहुत हो गया तो ये अभी गुस्सा हो रही है देखो मुझे कैसे खींच कर ले जा रही है। ये चलो उधर देखते हैं दादी सब ना लकड़ी हटा रही है उधर जो पानी जमा हुआ है ना आंटी के घर में इधर पानी आएगा अभी चलो देखते हैं आजा गोदी में हाँ चलो ना पानी सबको इधर ऐसे लाएंगी तो अभी प्रोसेस चल रहा है चलो देखते हैं हम दोनों। अरे मत जाओ हो गया मैं नहीं जा रही हूँ उधर आजा पैर धोकर जाते गंदा हो गया आ जाओ ना पानी साफ है ये पैर धोती हूँ और मैं घर के अंदर जाती हूँ अभी तैयार होना है ना आ जा बेटी नहीं होना है मम्मी खुला रखी ले सब पानी उले जब जितंका अखिया खा गाइस अभी हम लोग पहुंच के यहाँ दिमापुर जब मैं घर से निकली थी ना तब बहुत ही हड़बड़ी था इसलिए ब्लॉग शूट नहीं किया। और अभी हम लोग वहाँ से आया है पैसेंजर में और फिर यहाँ हम लोग चेंज करेंगे यहाँ से वाडसा में जाएंगे। तो अभी हम लोग बस यहाँ आकर टिकट वगैरह ले लिया और अभी यहाँ हम लोग वेट कर रही है वाडसा में आने के लिए। बस अभी ज़्यादा टाइम नहीं है 10 मिनट में अब आ जाएंगे यहाँ पर ऐसा आराम से वेट कर लिया खा रही है देखो घर में तो खाना नहीं खाया। ट्रेन आने वाली है और ये ब्लॉग तो बहुत ही लंबा हो गया यहीं पर ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ।